हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर सौरभ पर स्वागत है। दोस्तों, आज आपको वीडियो में जानकारी देंगे चिल ब्लेंड्स के बारे में। दोस्तों, सर्दियों में अक्सर हाथों पैरों की सूजन, विशेषकर हाथों पैरों की उंगलियों की सूजन आपने देखी ही होगी। दोस्तों, आज आपको सर्दियों के मौसम में, जाड़ों के समय में जब आपके हाथों पैरों में सूजन, स्वेलिंग आ जाती है, इसको दूर करने की बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको बताएंगे। जीवन में कभी भी सर्दियों के मौसम में आपको आपके हाथों पैरों में स्वेलिंग नहीं हो सकती है और आपकी उंगलियों में भी सूजन नहीं आएगी। इस तरह की बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में आपको बताएंगे, आपको चिल ब्लेंड्स होने का कारण बताएंगे और आपको दोस्तों यह बताएंगे कि आपको जब आपके हाथों पैरों में सूजन, स्वेलिंग आ जाती है, उंगलियों में सूजन आ जाती है और उस समय आपको क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों, आपने देखा ही होगा जब सर्दियों का मौसम स्टार्ट होता है तो अक्सर आपके आस पड़ोस में या फिर आप ही के परिवार में या फिर आप खुद आपके हाथों पैरों में, विशेषकर आपके हाथों पैर की उंगलियों में सूजन, रेडनेस, बहुत ज़्यादा लालपन और बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती हैं। दोस्तों, यह अक्सर आपने देखा ही होगा। क्या आप इस बीमारी से परेशान हैं? तब आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और अभी जो हमारे चैनल पर नहीं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जब सर्दियों का मौसम शुरू होने लगता है, जब आपके हाथों पैरों की, आपकी भी उंगलियों में सूजन, आपको सूजन, स्वेलिंग की समस्या अक्सर हो जाती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है ये समस्या क्यों होती है? दोस्तों, जब आपको सर्दियों के मौसम में, जब जाड़ों के मौसम में हाथों पैरों की उंगलियों में सूजन आ जाती है, यह है ब्लड सर्कुलेशन का ठीक तरीके से काम न करने की वजह से आपको आपके हाथों पैरों में सूजन, स्वेलिंग होने लगती है। जब आपकी उंगलियों बहुत ज़्यादा ठंड से, बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से सुन्न हो जाती हैं, दर्द करने लगती हैं और आपके ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरह से काम नहीं कर पाता है, इसकी वजह से आपके हाथों पैरों में स्वेलिंग, सूजन की समस्या अक्सर आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, जब आपको हाथों पैरों में सूजन, स्वेलिंग हो जाती है, तब दोस्तों आपकी उंगली सूजकर बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा लालपन आ जाता है और अक्सर देखा होगा बहुत ज़्यादा मोटी होने की वजह से आपके ऊपर की स्किन भी हटने लगती है। इस तरह की समस्या अक्सर आपने देखी होगी। जब सर्दियों के मौसम शुरू हो जाता है तब अक्सर हाथों पैरों में सूजन, विशेषकर उंगलियों में देखने को मिलती है। दोस्तों, जिसकी वजह से व्यक्ति को काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, जब व्यक्ति के पैरों की उंगलियाँ सूजने लगती हैं तब व्यक्ति को चलने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होने लगती है, उंगलियाँ बहुत ज़्यादा दर्द करने लगती हैं, चलते समय बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। दोस्तों, हाथों पैरों की उंगलियों में सूजन, स्वेलिंग हो जाने की वजह से उंगलियों में दर्द होने लगता है, उंगलियाँ बहुत ज़्यादा लाल हो जाती है, बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है। और दोस्तों, यह तो समस्या होती ही है, साथ में खारिश, दोस्तों इचिंग विशेषकर होने लगती है। इचिंग दिन में या फिर रात में कभी भी हो जाती है, विशेषकर रात के समय जब व्यक्ति सोने के लिए जाता है, उसकी हाथों पैरों की उंगलियों में बहुत ज़्यादा खारिश होने लगती है। व्यक्ति को खुजाते खुजाते कभी कभी तो रोना आ जाता है, कभी कभी रोने भी लगता है। दोस्तों, इतनी ज़्यादा खारिश आती है कि व्यक्ति ऊपर की स्किन भी हटा देता है, ऊपर की त्वचा भी रगड़ देता है, जिसकी वजह से खून, ब्लड आने की समस्या भी हो जाती है। दोस्तों, खारिश का बहुत ज़्यादा आना यह बहुत ज़्यादा परेशान कर देने वाला एक रोग है। दोस्तों, चिल ब्लेंड्स हो जाने से, हाथों पैरों की उंगलियों में सूजन आ जाने की वजह से व्यक्ति कोई भी काम नहीं कर पाता है। दोस्तों, व्यक्ति विशेषकर अगर उसके हाथ में सूजन, स्वेलिंग आ जाती है तो कुछ भी काम हाथ से नहीं कर पाता है, कुछ भी उठाने में उसे दिक्कत होने लगती है, उंगलियां मुड़ती नहीं है, बहुत ज़्यादा दर्द करती हैं मुड़ते समय भी। दोस्तों, उंगलियों में दर्द होने लगता है, कोई काम भी नहीं कर पाता है। और अक्सर आपने देखा होगा यह तब अधिक होता है जब व्यक्ति सर्दियों के मौसम में पानी का काम करता है, यानी पानी में अधिक देर तक रहने से, हाथों को पानी में अधिक देर तक भिगोने से, पैरों को अधिक देर तक सर्दियों के मौसम में पानी में पैरों को रखने से अक्सर हाथों पैर की उंगलियों में सूजन आ जाती है। आप इस बीमारी से परेशान है, तब आपके लिए बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन बता देता हूँ। दोस्तों, ये 100% होम्योपैथी मेडिसिन वर्क करती हैं और आपको चिल ब्लेंड से, सर्दियों के मौसम में हाथों पैरों की उंगलियों में सूजन हो जाने की समस्या से आपको छुटकारा दिला देती है। चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, पहली और इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है एगेरिकस मस्केरियस। दोस्तों, ध्यान रखें, एगेरिकस मस्केरियस 30% में इस्तेमाल करना है, एगेरिकस मस्केरियस 30% में रेगुलर इस्तेमाल करना है। दोस्तों, जब व्यक्ति के हाथों पैरों की सूजन, स्वेलिंग
होने लगती है, विशेषकर हाथों पैर की उंगलियों में सूजन बहुत ज़्यादा आ जाती है। शीतलहर की वजह से या फिर किसी भी ठंडी जगह पर जाने की वजह से हाथों पैरों में उंगलियों में बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है। सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा सूजन आ जाने की वजह से हाथों पैरों की उंगलियों में दर्द होने लगता है, उंगलियाँ मुड़ती नहीं है, कोई भी काम नहीं कर पाते हैं फर्स्ट स्टेज में। ध्यान रखें, अगर एक समझ के थर्टी प्रेगनेंसी में रेगुलर दिन में 3 बार इस्तेमाल कराने से 100% रिजल्ट मिलता है। दोस्तों, नेक्स्ट मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए एपिसमेल 30। एपिसमेल 30 प्रेगनेंसी में इस्तेमाल करना चाहिए। एपिसमेल ऑल बॉडी की स्वेलिंग को दूर करने के लिए दिया जाता है। बट दोस्तों, अगर आपको सर्दियों के मौसम में आपके हाथों पैरों की उंगलियों में सूजन आ जाती है, उस समय भी आप एपिसमेल 30 प्रेगनेंसी में या फिर एपिसमेल को हाई प्रेगनेंसी में इस्तेमाल करें, जिससे कि आपको 100% रिजल्ट मिलता है। उसमें ऐसे महसूस होता है जैसे डंक लग रहा है, सुई की तरह या फिर डंक लगने की तरह अगर दर्द होता है हाथों पैरों की उंगलियों में, तब आपको एपिसमेल का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए बेलाडोना 30 प्रेगनेंसी में। बेलाडोना 30 प्रेगनेंसी में इस्तेमाल करना चाहिए। अब दोस्तों ध्यान रखें, बेलाडोना तब लें जब दोस्तों आपकी हाथों पैरों की उंगलियों सूज कर बहुत ज़्यादा लाल हो जाती है, गर्मी निकलने लगती है, दर्द करने लगती है, कुलन होने लगती है, तब कहीं ऐसा दर्द होने लगता है और आप अपने हाथों पैरों की उंगलियों को मोड़ नहीं पाते हैं। दोस्तों बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा लाल हो जाती है, तब आपको बेलाडोना 30 प्रेगनेंसी में इस्तेमाल करना चाहिए। बेलाडोना 30 प्रेगनेंसी में इस्तेमाल करने से 100% रिजल्ट मिलता है। दोस्तों बेलाडोना को आप हर 2-2 घंटे के अंतर से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोस्तों 100% रिजल्ट मिलेगा और आप चिल्ब्लेंड से हाथों पैरों की उंगलियों की स्वेलिंग से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। एगेरिकस मस्केरियस, एपिसमेल 30 और दोस्तों बेलाडोना, ये तीनों मेडिसिन आपको कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। वेरी इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है, 100% वर्क करती हैं। तीनों मेडिसिन को आप जरूर इस्तेमाल करें। दोस्तों आप अपने सिम्टम के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों डंग लगने जैसे दर्द होने पर आप एपिसमेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा रेडनेस आ जाने पर आप बेलाडोना का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इन दोनों मेडिसिन के साथ एगेरिकस मस्केरियस 30 प्रेगनेंसी में जरूर इस्तेमाल करें। एगेरिकस मस्केरियस ठंड के समय होने वाली हाथों पैरों की उंगलियों में सूजन को दूर करने की वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। दोस्तों अगर आपको चिल्ब्लेंड्स या फिर अदर किसी भी बीमारी की और अधिक जानकारी चाहिए, इसके लिए आप हमारी वेबसाइट pariupchar.com पर देख सकते हैं। आपको हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आप अपना ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं या फिर अगर किसी भी बीमारी के बारे में आप हमसे ट्रीटमेंट के बारे में चर्चा करना चाहते हैं या फिर आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें SMS कर आप अपनी समस्या हमें ज़रूर बताएं। प्लीज़ वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि दोस्तों सर्दियों के मौसम में वे व्यक्ति जो चिल्ब्लेंड्स की समस्या से अक्सर परेशान रहते हैं, हाथों पैर की उंगलियों की सूजन की वजह से हमेशा परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो सकता है। प्लीज़ वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें और अभी जो हमारे चैनल पर नहीं थे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।